आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि चने की दाल कैसे बनाते हैं। जो हम बिरयानी वगैरह के साथ लेते हैं ना, वही चने की दाल बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए 1 कप के करीब चने की दाल को अच्छे से पहले धो लेंगे, 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। और अच्छे से धोने के बाद हम इसे भीगने के लिए रख देंगे। कम से कम 1 घंटा काफ़ी होगा, तो चलिए इसे भीगने के लिए रख देते हैं। दाल हमारी भीग कर हो चुकी है तैयार, अब इसे हम पकाएंगे। इससे क्या होगा ना कि दाल बहुत जल्दी पक जाएगी। कुकर में हम इसे डाल देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये मैंने ले लिया है कुकर। अब इसमें मैंने जो भिगोई हुई दाल है ना, उसे डाल दिया है। इससे बहुत ही जल्दी हमारी दाल पककर तैयार हो जाती है पहले से भिगाने से। तो इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक मैंने डाल दिया है। तो चलिए अब इसे पका लेते हैं। बस 1 से 2 सीटी में ही ये तैयार हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये उबल कर हो गई है तैयार, और देखिए कितनी बढ़िया सी ये पककर रेडी हो गई है। इस तरह से दाल को पकाने के बाद हम इसे, दाल की जो मथनी होती है ना, उसे हल्का सा इसे मथ लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं मथना है, बस हल्का सा ही मथना है, बस इतना ही काफ़ी होगा। तो ये लीजिए, ये मथ कर हो गई है तैयार। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है 2 बड़े चम्मच के करीब। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे जीरा, और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का दाना। जब ये अच्छे से कड़क जाए तो इसमें डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसे अच्छे से भून लेंगे, और इसके बाद इसमें मैंने डाला है प्याज बारीक कटी हुई, और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज के भूनने के बाद इसमें डाल देंगे 1 तेज पत्ता, और इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन ग्रेट करके। ये ग्रेट करके डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है दाल में। तो इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और अदरक लहसुन भूनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ सूखे मसाले। यहाँ मैंने हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिए का पाउडर और गरम मसाला डाला है, और इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर बारीक कटे हुए। टमाटर डालने के बाद हमें इसे अच्छे से भून लेना है, जब तक कि टमाटर नरम ना हो जाए। और इसके लिए हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालने से बहुत ही जल्दी नरम हो जाएंगे हमारे टमाटर। तो लीजिए, मैंने डाल दिया है नमक। अब इसे अच्छे से चला लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इसे ढककर पकने देते हैं। कम से कम 2 से 3 मिनट ढककर पकने के बाद ये देखिए, काफ़ी अच्छे से हमारे टमाटर जो हैं भून चुके हैं और मसाला हो चुका है तैयार। तो इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया। बहुत अच्छा टेस्ट आता है हरा धनिया का मसाले के साथ भूनने से। लीजिए, मसाला भूनकर हो गया है तैयार। अब इसमें उबली हुई दाल को डाल देंगे। चने की दाल जो हमने उबाल कर रखी थी, उसे डालकर अच्छे से इसे चला लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, दाल लगभग हमारी हो गई है रेडी। अब इसे अच्छे से उबलने देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। तो दाल हमारी बनकर हो गई है तैयार। इस तरह से चने की दाल बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। बिरयानी के साथ या फिर सिंपल राइस के साथ भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। और यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।